हेलो फ्रेंड्स, स्वातिस किचन और क्राफ्ट में आपका स्वागत है। आज हम सहजन का सूप बनाएंगे। आप सोचेंगे कि सहजन का सूप भी कभी बनता है? जी हाँ, जरूर बनता है, और वो भी हम दो तरीके से बनाएंगे। अब हम पहला तरीका देखेंगे। मैंने 250 ग्राम सहजन की फली ली है। मैंने इसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट के उसके ऊपर के छाल या रेशा ही भी बोल सकते हो, वो हम निकाल लेंगे। सहजन फली में बहुत पोषक तत्व और हड्डियाँ मजबूत करने के गुण है। सहजन फली को डेली डाइट में शामिल करने से बहुत फायदे मिलते हैं। मैंने सहजन फली के टुकड़े तैयार कर लिए। अब कुकर में हम 2 ग्लास जितना पानी डालेंगे और सहजन फली के टुकड़े इसमें डाल देंगे। सहजन फली के टुकड़े डालने के बाद इसमें एक प्याज ऐड करेंगे, 6-7 लहसुन की कलियाँ ऐड करेंगे। अब कुकर का ढक्कन बंद करके 4 विसल होने देंगे। 4 विसल होने के बाद कुकर को ठंडा होने देंगे। कुकर ठंडा होने के बाद कुकर का ढक्कन खोलेंगे और इसे एक बाउल में हम निकाल लेंगे। अब सहजन फली को हाथ से निचोड़ के उसका पल्प निकालेंगे और उसकी रेशाओं को एक पानी वाले बाउल में डालेंगे और वापस उसको निचोड़ के अच्छे से उसका पल्प निकाल लेंगे। एक बाउल से दूसरे बाउल में सहजन फली को अच्छे से निचोड़ के डालना है और दूसरे बाउल में से बाकी पल्प निकाल के उसकी पूरी रेशाएं निकाल लेनी है। अब दोनों बाउल का पल्प इकट्ठा करना है। अब ब्लेंडर से पल्प को अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। ब्लेंड करने के बाद पल्प को छन्नी से छान लेना है, जिससे पल्प में एक्स्ट्रा रेशाएं हो तो निकल जाएगी। अब पल्प तैयार है। इसमें हम 1 चम्मच चावल का आटा या कॉर्नफ्लावर डालेंगे। मैंने इसमें चावल का आटा डाला है। 1/4 टीस्पून जितना हरे मिर्च का पेस्ट डालेंगे, 1/4 टीस्पून अदरक का पेस्ट, स्वाद के अनुसार नमक, 1 टेबलस्पून हरे लहसुन की पत्तियां डालेंगे। इसका टेस्ट इसमें बहुत अच्छा लगता है। 1/4 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून नींबू का रस डालेंगे और इसे उबालने रखेंगे। ये सूप बहुत हेल्दी और टेस्टी बनता है। आप एक बार इसे बनाएंगे तो दूसरी बार वापस बनाने का मन करेगा। सहजन फली में कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन और सब विटामिन्स भरपूर मात्रा में मौजूद है। अब तड़का लगाने के लिए तड़के वाले कढ़ाई में 1 चम्मच घी, 1 चम्मच जीरा और 1/4 टीस्पून जितना हींग डालेंगे और ये तड़का सूप में डाल देंगे। अब इसे अच्छे से उबालें। अब ये हेल्दी और टेस्टी सूप तैयार है। इसे बाउल में सर्व करें और एंजॉय करें। आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक करें, आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर तुरंत आ जाएगा। और आपके लाइक और सब्सक्राइब करने से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगा। अब हम सूप की दूसरी मेथड देखेंगे। इसके लिए भी उबालने की प्रोसीजर सेम है। कुकर में मैंने 250 ग्राम सहजन फली के टुकड़े डाल दिए हैं और यहाँ पे मैंने प्याज की जगह आलू का यूज किया है। इसमें अब 2 ग्लास पानी डालेंगे और कुकर का ढक्कन बंद करके इसकी 4 विसल करेंगे। 4 विसल करके कुकर का गैस बंद करेंगे और इसे ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद कुकर का ढक्कन खोलेंगे। सहजन फली को हाथ से मसल के उसका पल्प निकालेंगे और दूसरे बाउल में पानी लेके उसमें ये सहजन फली डाल देंगे और उसका भी अच्छे से पल्प निकाल लेंगे। पल्प निकालने तक सब प्रोसीजर पहली मेथड की तरह ही है। अब इसमें आलू को मैश करके डाल देंगे।
ब्लेंडर से ब्लेंड कर लेंगे और स्मूथ पल्प तैयार कर लेंगे। अब छान के पल्प तैयार हो गया है। अब इसको हम गैस पे उबालने रखेंगे। अब इसमें 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट, 1/2 टीस्पून अदरक का पेस्ट और 1/2 टीस्पून जितना हरे मिर्च का पेस्ट डालेंगे। इसमें कम तीखी वाली हरी मिर्च लेनी है। बच्चे तीखा ना खाते हो तो आप हरी मिर्च ना डालें। अब इसमें टेस्ट के अनुसार नमक डालेंगे। अब एक बाउल में 1/2 कप गर्म पानी डालेंगे और 10 रुपये वाला जो नॉर का मिक्स वेज सूप का पैकेट आता है वो डाल देंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे जिससे इसमें लम्स ना रहे। अब ये मिश्रण उबलते हुए सूप में डाल देंगे। अच्छे से इसे मिक्स होने तक उबालेंगे। थोड़े धनिया के पत्ते डालेंगे और 2 मिनट तक अच्छे से उबालेंगे। अब ये हेल्दी और टेस्टी सूप तैयार है। दोनों मेथड से सहजन का सूप आप जरूर ट्राई करें और कैसा बना ये मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अब मिलते हैं अगले नए वीडियो में। आपने अपना कीमती वक्त वीडियो देखने के लिए निकाला, इसके लिए थैंक यू।